हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, दिल्ली के बाद देश के एक और स्टेट ने कॉलेज यूनिवर्सिटी परीक्षाओं पर बहुत बड़ा फैसला ले लिया। जी हाँ दोस्तों, यूजीसी की गाइडलाइंस के खिलाफ राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है, अपने प्रदेश के फाइनल ईयर की परीक्षाओं को फिलहाल रद्द कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे होंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से संबंधित जो फाइनल ईयर परीक्षाएं उन्हें रद्द कर दिया है। कौन सी स्टेट की न्यूज़ है, चलिए जानते हैं यहाँ पर विस्तार से। उससे पहले मैं आपसे एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, महाराष्ट्र में नहीं होंगे कॉलेज के फाइनल ईयर एग्ज़ाम, ऐसे पास होंगे छात्र। कल दिनांक 13 जुलाई 2020 को ये न्यूज़ ऑफिशियली अपडेट की गई है न्यू दिल्ली से। आप देख सकते होंगे महाराष्ट्र सरकार ने यूजीसी गाइडलाइन से अलग राज्य के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर एग्ज़ाम न कराने का फैसला किया है। जानें सरकार ने फाइनल ईयर के छात्रों के लिए क्या क्या किया है फैसला, चलिए जानते हैं यहाँ पर विस्तार से। उससे पहले मैं आपसे एक बार गुजारिश करना चाहूँगा, इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। इसके साथ यहां पर आपको देखने के लिए मिला है, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में कॉलेजों के फाइनल ईयर एग्जाम नहीं होंगे। ये फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजित पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। इससे एक बार फिर से केंद्र सरकार के फैसले से अलग जाकर महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है। अब महाराष्ट्र में फाइनल ईयर के छात्र इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास कर दिए जाएंगे, यहां पर साफ साफ बताया गया। इसके साथ ही बता दें कि इसके पीछे महाराष्ट्र में फाइनल ईयर के छात्रों को जो यहां पर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जा रहा है, उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने यह तर्क दिया है कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य को ऐसी परिस्थितियों में किसी भी निर्णय को रद्द करने की शक्ति प्राप्त होती है। वहीं बीते सप्ताह यूजीसी की ओर से जारी संशोधित एकेडमिक कैलेंडर में ये कहा गया था कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की फाइनल ईयर परीक्षाएं सितंबर में आयोजित की जाएं। इसके साथ ही यहाँ पर फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की परीक्षा आयोजित कराने की सलाह को खारिज कर दिया था। सरकार का कहना है कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस तरह का फैसला लेने से छात्रों का स्वास्थ्य संकट में पड़ सकता है। इसके साथ ही बता दें, बीती 6 जुलाई को ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर परीक्षाओं और उसके साथ साथ फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं शैक्षिक कैलेंडर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसके बाद देशभर के तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। इसके मुताबिक कहा गया था कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा, यानी कि फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को छोड़कर अदर जितने भी सेमेस्टर हैं उन सभी का मूल्यांकन जो है वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर किया जाएगा। वहीं टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों का मूल्यांकन जो जुलाई के महीने में परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना था, यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का जो मूल्यांकन था वो जुलाई में होने वाली परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना था, अब उनकी ये परीक्षाएं सितंबर 2020 के अंत तक आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश में भी बारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह फाइनल ईयर के अपने यहाँ जो होने वाले एग्जाम हैं उनको कैंसिल कर देना चाहिए। आपकी क्या राय, आप अपनी राय भी कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।